to you by Cuckoo FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 23 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है एक हत्याकांड से। अब घटना के दिन का हाल सुनिए। लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए एक नौकर कोठी के अंदर घुसता है। सुबह के 8 बजे का वक्त है और घर में कोई नहीं है। रात पार्टी थी इसलिए सब देर से सोए होंगे, सोचकर नौकर पहली मंजिल पर चला जाता है और वहाँ का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर वॉचमैन अमर सिंह को बुला लाता है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है। घर में रहने वाले 8 लोगों की हत्या हो चुकी है। सिर्फ घर की सबसे बड़ी बेटी सोनिया की नब्ज चल रही है। वो दरवाजे के आगे बेहोश पड़ी है। अमर सिंह डॉक्टर और पुलिस को फ़ोन करता है। कुछ ही देर में भीड़ भी इकट्ठा होती है। पुलिस अस्पताल ले जाती है सोनिया को और उसे वहाँ भर्ती करके तहकीकात शुरू करती है। तहकीकात से जो पता चलता है उससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में जब कोई घुसा ही नहीं तो हत्या कैसे हुई? 8 लोगों की हत्या हो गई और किसी की चीख पुकार की आवाज़ नहीं आई। ये सब कैसे हुआ और क्यों, आइए जानते हैं। जगह हरियाणा का हिसार ज़िला। शहर के बिल्कुल नज़दीक एक मकान है। मकान क्या, बिल्कुल आलीशान कोठी समझिए। इतनी भव्य के आसपास के लोग सिर्फ उसे देखने के वास्ते वहाँ आते। घर वालों के ठाट ऐसे कि सड़क से होकर कोठी की पहली मंजिल तक कार का रैम जाता। ये मकान कभी पूर्व MLA रेलू राम पूनिया का हुआ करता था, जिसकी शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के काम से हुई थी। आगे जाकर उन्होंने तेल का धंधा शुरू किया और अपनी मेहनत के बल पर अकूत धन संपदा जोड़ी, जिसमें शामिल थी 163 एकड़ जमीन, 25 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस। इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें और प्लॉट भी उनके नाम पर थे। ये सब रेलू राम की मेहनत का फल था। हालांकि इस फल को पकाने में कितना पोटाश लगा ये आप बिना कहे ही समझ सकते हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ की थी। मुंबई या बेंगलोर में होते तो फिल्में प्रोड्यूस कर सकते थे या फिर कोई कैलेंडर छपवा सकते थे, लेकिन वो थे हरियाणा के ठेठ देसी आदमी। पैसा खूब था उनके पास और अब चाहिए थी फुल इज्जत, और वो एक ही तरीके से मिल सकती थी, राजनीति में। सुरेलू राम बन गए नेताजी। 1996 में स्वतंत्र रूप से बरवाला विधानसभा से चुनाव में खड़े हुए और जीते भी। हालांकि इससे आगे चुनाव में उनकी हार हुई, लेकिन नाम के साथ पूर्व MLA का तमगा उनका लगा हुआ था। नेताजी का परिवार भी काफ़ी लंबा चौड़ा था। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी ओमी देवी से उनको एक बेटा हुआ था, सुनील। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था कृष्णा देवी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी थी। आगे जाकर सुनील की शादी शकुंतला से हुई। उसके 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति, इन दोनों का नाम था। भरा पूरा परिवार और खूब धन दौलत, साथ में पूर्व MLA का रुतबा भी। 2001 तक आते आते रेलूराम हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो चुके थे। घर संसार सब एकदम मस्त चल रहा था। बड़ी बेटी सोनिया ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करती थी और स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी भाग लेती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। संजीव खुद जूडो के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। खेल के मैदान में ही दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने शादी भी की। संजीव एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था और सोनिया ठहरी नगर सेठ की बेटी, इसीलिए रेलू राम ने हर तरह से इस शादी की मुखालफत की। बस एक कमी रह गई कि फिल्मी स्टाइल में संजीव को ब्लैंक चेक काटकर उन्होंने नहीं दिया। हालांकि ऐसा कर पाने की उनके पास पूरी हैसियत थी, कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्पोर्ट्स में भारत का हाल तब और भी बुरा था। संजीव का जूडो बस कुछ साल ही चल पाया, फिर कोई नौकरी लगी नहीं तो काम की तलाश करने लगे। ससुर रसूख वाला था पर कहीं कोई बात नहीं बन रही थी, तो सोनिया ने अपने पिता से कहा कि वो फार्म हाउस की जमीन बेच दे ताकि कोई धंधा शुरू हो सके। जमीन के मामले में भाई भाई की लड़ाई आपने सुनी होगी। यह मामला भाई बहन के बीच में था। स्त्री अधिकारियों के हिसाब से ये अच्छी बात मानी जा सकती है अगर लड़ाई सिर्फ बातों तक रहती, लेकिन सोनिया के सौतेले भाई सुनील को जब ये बात पता चली तो वो बुलेरो कार लेकर सोनिया के पास पहुंच गया। दोनों के बीच जमीन को लेकर कहासुनी होने लगी। कुछ ही देर में बात इतनी बिगड़ी कि सोनिया ने अपने पति का रिवॉल्वर निकाल लिया। शुक्र की बात कि उस दिन कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन ये अच्छा हुआ या गलत ये आने वाले भविष्य को तय करना था। खैर, इस कहासुनी के बाद सुनील वापस घर चला गया। उधर सोनिया गुस्से से बिलबिला उठी थी। उसे लगा कि अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा और अब जायदाद पाने का एक ही रास्ता है, वो ये कि पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ये बात उसने अपने पति सुनील को बताई, जिसे सुनकर पहले तो आनाकानी उसने की, लेकिन अंततः वो तैयार हुआ।
इस काम को अंजाम देने के लिए 23 अगस्त यानी आज ही का दिन चुना गया था। इसी दिन सोनिया के बहन पम्मी का जन्मदिन होता है। साल था 2001। दोनों ने सोचा इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा मिलेगा नहीं। उन्होंने बिना रेलू राम को बताए एक पार्टी का इंतजाम किया। पम्मी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, इसीलिए सोनिया हॉस्टल गई और उसे फार्म हाउस ले आई। रात को खूब आतिशबाजी की गई, खूब गाना बजाना हुआ। देर रात खाने के बाद सोनिया की फरमाइश पर खीर बनवाई गई। खीर खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि सोनिया ने खीर में अफीम मिलाई थी, जिससे सभी लगभग बेहोश हो गए। सोनिया ने संजीव से कहा यही मौका है और वो अपनी रिवॉल्वर ले आए। संजीव ने जवाब दिया कि घर में कुल 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां। इसके बाद सोनिया गैराज में गई और लोहे का एक रॉड ले आई और फिर शुरू हुआ सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले दोनों रेलू राम के कमरे में गए, जो गहरी बेहोशी में था। सोनिया ने संजीव को लोहे की रॉड पकड़ाई और अपने पिता के सर पर वार करने को कहा। संजीव ने रेलू राम के सिर पर रॉड से 2 वार किए। पिता के बाद अगली बारी माँ की थी। कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। दोनों उनके कमरे में गए और सोनिया ने एक तकिया लेकर कृष्णा देवी के मुंह पर रख दिया। रेलू राम की तरह कृष्णा देवी के सिर पर भी रॉड मारी गई, लेकिन रॉड फिसलकर बगल में सो रही शिवानी को लग गई। 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसकी आवाज़ से कोई आ न जाए, इस डर से संजीव ने उसके सिर पर भी रॉड दे मारी। इसके बाद दोनों सुनील के कमरे में गए। सुनील कदकाठी में अच्छा था, इसीलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांधे और उसके सिर पर भी रॉड से वार किया। सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मी को भी इस तरह बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत की हद देखिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं छोड़ा, जबकि खुद सोनिया और संजीव का 1.5 साल का एक बेटा था। हैवानियत का यह नंगा नाच पूरे 2 घंटे चला। एड्रेनलिन रश थोड़ा ठंडा हुआ। इसके बाद तो दोनों को पुलिस की याद आई। सोनिया ने संजीव से कहा कि वो एक रॉड से उसे भी मारे ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। इसके बाद उसने संजीव को एक कार में बिठाया और उसे किसी और जगह छोड़ आई। वापस लौटकर उसने कुछ और पटाखे जलाकर आतिशबाजी की ताकि लोगों को लगे कि वहाँ अब भी पार्टी चल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद उसने खुद भी जहर खा लिया था। हालांकि वॉचमैन अमर सिंह के हिसाब से ये सब पुलिस को बरगलाने का एक तरीका था। सुबह पुलिस पहुंची तो सबसे पहले सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। शुरुआत से ही शक की सुई सोनिया की तरफ थी, लेकिन पुलिस को जो भी सबूत मिले वो सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की। पहले पहल उसने सवालों को टरकाया, लेकिन थोड़ी सख्ती दिखाते ही उसने पूरी कहानी बयान कर दी। 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया। हिसार सेशंस कोर्ट में 3 साल तक मामले की सुनवाई चली, जिसके बाद 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदला, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को मानते हुए फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। संजीव और सोनिया ने इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन वो रिजेक्ट की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही। मामला फिर सेशन कोर्ट पहुंचा, जहां फांसी की तारीख 26 नवंबर 2007 तय हुई, लेकिन फांसी हो नहीं सकी क्योंकि संजीव और सोनिया के पास एक आखिरी रास्ता और था। दोनों ने राष्ट्रपति से क्षमा याचना की और एक आधिकारिक अपील भी डाली। अपील अगले कई सालों तक राष्ट्रपति ऑफिस में पड़ी रही। राष्ट्रपति बनने के बाद 2013 में प्रणब मुखर्जी ने सोनिया और संजीव की क्षमा याचिका को खारिज कर दिया। पिछले कुछ सालों में आपने 2008 अमरोहा मर्डर केस के बारे में सुना होगा, जिसमें शबनम नाम की महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। बड़ा हुआ हल्ला मचा था कि शबनम भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला हो सकती है, लेकिन 2007 में अगर पूनिया मर्डर केस में फांसी हो जाती तो फांसी पाने वाली पहली महिला सोनिया होती। खैर, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अपील खारिज कर दिए जाने के बाद सोनिया और संजीव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन इस मामले में एक और मोड़ आना बाकी था। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके अनुसार जिन मामलों में फांसी की सज़ा में देरी हुई है उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। कोर्ट ने कुल मिलाकर 15 ऐसे मामलों को चुना। सोनिया और संजीव की अच्छी किस्मत कही है कि उनका केस भी इस लिस्ट में शामिल था। अभी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2018 में एक और दिलचस्प वाक्या हुआ। 2018 में संजीव ने फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे परोल हासिल की। उसने 15 दिन की परोल ली और फरार हो गया। उसे पता चला कि सोनिया ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। ऐन मौके पर बाकी कैदियों और जेल कर्मियों ने उसे बचा लिया।
इसके बाद सोनिया को अगले 6 महीने तक एक स्पेशल सेल में रखा गया। जो कैदी आत्महत्या प्रयास करते हैं, आत्महत्या का प्रयास करते हैं, उन्हें सुसाइड वॉच लिस्ट में रखा जाता है निगरानी में। इस दौरान उन पर खास नज़र रखी जाती है ताकि वो दोबारा आत्महत्या का प्रयास ना करें। विडंबना देखिए, जो कानून उसे कुछ साल पहले तक फांसी पर चढ़ा रहा था, वही अब उसे फांसी से बचाने पर तुला था। सभ्यता का ब्लैक ह्यूमर कह लीजिए कि आप मर तो सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, ये केवल कानून तय कर सकता है। बहरहाल इस केस में रीसेंट अपडेट ये है कि फरवरी 2021 में संजीव को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि फरार होने के बाद वो गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। जिस माया के लिए उसने 8 कत्ल किए, उसी माया से पार पाने के लिए अंत में उसे जोग धरना पड़ा। हमारे जो ये तारीख के एपिसोड्स लिखते हैं कमल, उनके यहाँ यानी कि पहाड़ों में एक कहावत है, 1 पैसे के लिए जोग लिया 10 पैसे जोगियाने में लग गए। यानी आदमी 1 पैसे बचाने के लिए, 1 पैसा बचाने के लिए सन्यासी बनता है और सन्यासी बनने के लिए उसको इसका 10 गुना खर्च करना पड़ता है। जाते जाते आपको बताते चलते हैं कि अगले साल यानी कि 2022 में चुनाव हैं। इससे पहले कि चुनाव आए, हम आ रहे हैं आपके घर तक। साथ बैठेंगे, गप्पे होंगे, खेती किसानी, पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी चाकरी कारोबार तक की सारी बातें होंगी। पूरी तबीयत से नज़र बनाए रखिए दी ललन टॉप के यूपी दौरे पर, नाम है क्या हाल है यूपी। इसके अलावा हमारा एक नया शो और आ रहा है, एक नया पैसा। अगर आप डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के खिलाड़ी बनना चाहते हैं या फिर दिलचस्पी रखते हैं जानने में इनके बारे में, तो आप इस स्पेस पर नज़र बनाए रखिए। फिलहाल के लिए हमारी नमस्ते, उनको शुक्रिया जिन्होंने एपिसोड लिखा है कमल, और उन्हें भी शुक्रिया जो कि यूपी चुनाव यात्रा पर निकल रहे हैं, हमारे बेहद व्यस्त कैमरा पर्सन, एडिटर, दोस्त, मित्र, सखा जेरी। देखते रहिए दिल ललन टॉप।